हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन नहीं कर रखा है, तो दोनों को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको RHS, BSc नर्सिंग, GNM, पैरामेडिकल, फार्मेसी सबसे जुड़ी हुई सारी जानकारी एक ही चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जो GNM के अलॉटमेंट लेटर आपके आ चुके हैं कल की डेट में, यानी कि 26 मार्च को जो आपके अलॉटमेंट लेटर आए हैं उनको किस प्रकार आपको डाउनलोड करना है, यानी कि जो GNM अलॉटमेंट लेटर हैं उनको किस प्रकार आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट किस प्रकार करना है, सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वन बाय वन स्टेप फॉलो करना, आपको सारी जानकारी दूंगा अलॉटमेंट लेटर में क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार क्या रूल एंड रेगुलेशन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, वो सब चीज़ें उसमें लिखी हुई है। सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में ही देने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो आप एंड तक देखते रहना, ठीक है। एक बार अपने उन फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना जिनका GNM में सिलेक्शन हो गया, और उनको जिनका सिलेक्शन हो गया, जिनको कॉलेज मिल गया, गर्ल्स या बॉयज जिनको भी कॉलेज मिल गया, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, ताकि आपको आपका जो भी टाइम था, आपकी जो भी मेहनत थी, वो रंग लाई और आपको कॉलेज मिल गया। पहले क्या हुआ था कि आपका जो 24 मार्च को जो रिजल्ट आया था, वो 24 मार्च को जो रिजल्ट आया था वो क्या गया था, गलत आया था। उसमें अलॉटमेंट सही तरीके से राज्य स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ने नहीं किया था, लेकिन अब सही तरीके से आपका बिल्कुल सही लिस्ट आई है। जिन कम नंबर वालों को, जिनको कॉलेज मिल गया था, कम मार्क्स वालों को, कम परसेंटेज वालों को नंबर कॉलेज मिल गया था, उनका कॉलेज हटा दिया गया है। अब जिनके अच्छे नंबर थे उन्हीं को, जिनके अच्छे परसेंटेज थे उन्हीं को कॉलेज मिला, आप सभी को कॉलेज नहीं मिला है। पहले वाले कई कैंडिडेट्स को हटाया गया, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपको किस प्रकार अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। तो आपको सबसे पहले अपने गूगल पर सर्च करना है, जैसे कि मैं गूगल पर चला जाता हूँ। गूगल पर अपन सबसे पहले यहाँ अपन को सर्च क्या करना है, राज GNM अपन को सर्च करना है। क्या सर्च करना है, राज GNM, ये चीज़ आप सर्च करना है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, ये कुछ गलत हो गया। गूगल पर सबसे पहले गूगल पर चले जाते हैं, पर नॉर्मली ये जो आपका इस प्रकार इंटरफेस रहेगा, यहाँ आपको सर्च करना है ये चीज़ जो लिखी हुई है आपके सामने, राज GNM, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। इसके बाद देखो, राज GNM, ठीक है, ये चीज़ आप बस इतना सर्च कर लीजिए। इस पर जैसे क्लिक करोगे आप, क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद फर्स्ट ही आपको दिखाई देगा राज स्वास्थ्य वाला। इसके बाद एक मिनट, ये राज स्वास्थ्य वाले ओपन हो गए साइट। थोड़ा सा आप डाउन करोगे, सबसे पहले आपको राज स्वास्थ्य नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन राज स्वास्थ्य नहीं खोलना आपको, ये ऑफिशियल वेबसाइट भी नहीं खोलनी, किसी किसी की ये फर्स्ट टाइम पर आ जाएगी, राजस्थान GNM राजस्थान ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे, ऐसा इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाता है। देखो, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, फर्स्ट है क्लिक हेयर फॉर ऑप्शंस फॉरम, सेकंड है क्लिक हेयर फॉर अलॉटमेंट लेटर, यानी कि यहाँ से आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाओगे। देखो किस प्रकार डाउनलोड करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आपको डालना है आपकी एप्लीकेशन आईडी, और यहाँ पर आपको डालना है आपकी डेट ऑफ बर्थ। मैं भी डाउनलोड करके दिखाऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हम अपनी एप्लीकेशन आईडी कहाँ से निकालें। तो आप अपनी एप्लीकेशन आईडी SSO ID के तहत भी निकाल सकते हो, SSO ID से भी निकाल सकते हो, वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा होगा तब निकाल सकते हो, या जब आपने GNM का फॉर्म भरा था तब आपको उन्होंने प्रिंट आउट दी होगी ई मित्रा वाले ने, उस प्रिंट आउट में जो आपका फोटो है, जो आपका फोटो है, फोटो के ऊपर यहाँ लिखी होगी आईडी, GNM आईडी यहाँ पर लिखी होगी, या जो आपकी लिस्ट आई हुई है, कौन सी वाली लिस्ट, जो मैंने टेलीग्राम पर आपके डाल रखी है, टेलीग्राम पर जाकर भी आप चेक कर सकते हो। सभी लिस्ट मैंने गवर्नमेंट और प्राइवेट की टेलीग्राम पर आपके लिए प्रोवाइड करवा दी है। तो यहाँ पर जो लिस्ट है, इन लिस्ट में आपका नाम जहाँ भी हो, आपके नाम के सामने आपकी GNM आईडी लिखी हुई है, ये देख सकते हो, ये आपकी एप्लीकेशन आईडी लिखी हुई है। ये सारी एप्लीकेशन आईडी है, जो भी आपके नाम के सामने हो, आपकी जो GNM आईडी हो, उसको यहां से कॉपी कर लीजिए, यहां से नोट कर लीजिए। नोट करके सीधा आपको कहां आ जाना है, आपको यहां आ जाना है। यहां आने के बाद यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, योर एप्लीकेशन, एंटर योर एप्लीकेशन नंबर में डालना है। सबसे पहले मैं डाल देता हूं यहां पर आईडी, देखो मैंने कॉपी कर रखी है पहले से, किसी रैंडम स्टूडेंट्स की मैं वहाँ से डाल रहा हूँ, और उसी की डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर आपके लिए सामने फिलअप कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप खुद भी इस प्रकार निकाल सकते हो GNM आईडी से, आप कुछ भी का आप अपने GNM आईडी से अपना आप खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो आप एक बार, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। मैं इसको सर्च करता हूँ, इसका सामने अलॉटमेंट लेटर खुलकर आ जाएगा। जैसे मैंने ये आईडी पासवर्ड डाली है, आईडी पासवर्ड जैसे मैंने फिलअप किया, इनको अजमेर का कॉलेज अलॉट हुआ है,
देखो इस प्रकार आपके अलॉटमेंट लेटर यहाँ पर नजर आ रहा है, फोटो के ऊपर आप देख पा रहे होंगे जीएनएम आईडी है, ये प्रिंट का ऑप्शन है। इस प्रिंट के ऑप्शन पर जैसे जैसे से आप उसको ऊपर नीचे करोगे वैसे से प्रिंट का ऑप्शन भी चलता जाता है, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट नेम आ रहा है, यहाँ इनका एड्रेस आ रहा है कहाँ से है ये कहाँ से नहीं है, कैटेगरी आ रही है और कौन सी कैटेगरी से अलॉट हुआ, यानी कि आपकी कैटेगरी तो ओबीसी है लेकिन इनको अलॉट किससे हुआ, जीएनएम यानी कि जनरल नर्सिंग से इनको कॉलेज अलॉट हुआ है। विषय क्या है, जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइवरी प्रशिक्षण कोर्स में अस्थायी प्रवेश एवं केंद्र आवंटन, यानी कि जो आपको ये अलॉटमेंट लेटर मिला है ये एक तरह से कोई आपका परमानेंट नहीं है, ये एक अस्थायी अलॉटमेंट लेटर आपको दिया गया। कौन सा अलॉटमेंट लेटर है, अस्थायी अलॉटमेंट लेटर है, यानी कि इसके तहत आपको इसका फॉर्म कन्फर्म नहीं है कि आपको मिली गया, जब तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग नहीं करते तब तक आपका जो एडमिशन है वो अस्थायी है, ये बात आप ध्यान रखना। उपरोक्त विषय अंतर्गत इस निदेशालय की विज्ञप्ति क्रमांक जीएनएम 2014-4 के संदर्भ में योग्य अभ्यर्थियों प्राप्त आवेदनों के आधार पर आरक्षण की श्रेणीवार राज्य स्तरीय वरीयता विकल्प के अनुसार ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान मेल फीमेल पीसीबी ओदर पीएच जो भी दे रखा है कैटेगरीज श्रेणी व वर्ग के अंतर्गत जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी प्रशिक्षण कोर्स सत्र 2021-22 में चयन किया जाकर पूर्णतः अस्थायी तौर पर प्रवेश हेतु अग्रसित अगर लिखित प्रशिक्षण में केंद्र आवंटित किया जाता है, यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि आपको ये कॉलेज अलॉट होता है। इसके बाद प्रिंट करना मैं आपको बताऊंगा, थोड़े पेशेंस रखिएगा आप सभी। सबसे पहले आपको देखना है कि आप उक्त प्रशिक्षण केंद्र या प्रभारी या प्राचार्य को मूल दस्तावेज अंक तालिका, मूल दस्तावेज में आपके क्या क्या आएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास, इसके अलावा मार्कशीट 10th 12th की, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका होना अनिवार्य है, आधार कार्ड, फोटो, ये सब चीज़ें लेके आपको जानी है। आवश्यक दस्तावेज निर्धारित तिथि 31/3/2022 यानी कि 31 मार्च से शाम 5 बजे तक आप जमा करवावे, अन्यथा आपका चयन या आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा जिसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा, यानी कि आपका जो डिपार्टमेंट है जिम्मेदार नहीं होगा। कब तक, जब तक वो 31 तक आप जमा करवा देते तब तो विभाग की जिम्मेदारी होती है लेकिन उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यदि आप आवंटित संस्थान में उपस्थित प्रस्तुत नहीं करते हैं तो संबंधित संस्थान को इसकी सूचना 31/3/22 से पूर्व दे, अन्यथा आपके द्वारा अग्रिम फीस पेटे राजकीय निजी नर्सिंग स्कूल को जमा कराई जाएगी, ठीक है, कराई राशि 180 या 10,000 रुपये को जब्त कर लिया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप नहीं जाना चाहते, अगर आप कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते तो आपको 31 तारीख से पहले पहले डिपार्टमेंट को या कॉलेज को इन्फॉर्म कर देना है ताकि ये आगे सूचना पहुंचा दे और आपकी सीट को निरस्त कर दे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि जो भी काउंसलिंग नहीं करवाए, जो भी रिपोर्टिंग नहीं करवाता है वो प्लीज़ रिक्वेस्ट इनसे कि कॉलेज को पहले इन्फॉर्म कर दे ताकि आपके जो 180 रुपये या 10,000 रुपये हैं वो जब्त ना किए जाए। किसी को अगर प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है तो प्राइवेट कॉलेज वाले अपनी राशि जब्त ना करवाए, ठीक है, वो भी अपने सूचना किसको दे दें, वो कॉलेज को सूचना देता है कि कॉलेज वाले राज स्वास्थ्य को ये सूचना पहुंचा दें कि ये बंदा एडमिशन नहीं ले रहा है और इसकी सीट निरस्त कर दी जाए और किसी अन्य को अलॉट की जाए, तो ऐसा हो जाएगा। और यहाँ आपको प्रिंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो, नीचे आपके काम की कुछ भी चीज़ नहीं है तो यहाँ से मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ, या प्रिंट पर जैसे क्लिक करेंगे अपने पास पीडीएफ फॉर्म में से मैं यहाँ से सेव कर सकता हूँ और ये प्रिंट हो जाएगी। यहाँ जाकर मैं जैसे क्लिक करूँगा यहाँ से क्या हो जाएगा, इस पीडीएफ पर क्लिक किया उसके बाद यहाँ आ जाए राज जीएनएम ऑनलाइन एप्लीकेशन और यहाँ सेव का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ से सीधा इसको सेव कर सकता हूँ लेकिन मुझे सेव नहीं करनी। तो ये प्रोसेस है आपके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने की। क्या आपको ये अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने की जो प्रोसेस है वो पसंद आई या नहीं आई, आपको समझ में आ गया किस प्रकार करना है और इसमें क्या क्या लिखा हुआ क्या क्या नहीं लिखा हुआ, सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर्स।